What should be the 11th hour strategy? And it includes three type of the preparation: academics, psychology and physiology. तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स से. तो मैं इस टाइम पे क्या पढ़नी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसे रिवाइज करनी चाहिए. जो तुमने एरर लिस्ट बना रखी है, उस वाली एरर लिस्ट को तुम्हें रिवाइज करना है. एरर लिस्ट को रिवाइज करना है. कोई नई सी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, और ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने की जरूरत भी नहीं जो जिसने तुमसे ये कहा हो कि क्या तुमने ये पढ़ा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा. जो पढ़ना था उसके लिए तुम्हारे पास काफ़ी टाइम थे. अब अगले दो दिनों में तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते. अगर 360 डेज में तुम किसी टॉपिक को नहीं पढ़ पाए, किसी सब टॉपिक को नहीं पढ़ पाए, तो उसे आखिरी तीन चार दिनों में तुम पढ़ के उसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाओ, ऐसा सोचना एक टाइप की बेवकूफ़ी है, एक टाइप की इल्यूजन के अंदर जीने की टेंडेंसी है. हमें भ्रम से बाहर आना है. तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. क्या नहीं पढ़ना है? बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है. मेजॉरिटी चीज़ें नहीं पढ़नी है. पढ़ना क्या है? जो तुमने एरर लिस्ट बना रखी है, बनाई होगी. जब तुमने टेस्ट दिया उसके बाद तुमने उसे एनालाइज करा होगा कि यहां पे ये गलती हो गई, और अगर ये गलती हो गई देन व्हाट शुड बी द रेक्टिफिकेशन. जो रेक्टिफिकेशन तुमने किसी नोट्स की कॉपी में या कहीं पे लिखी होगी उसे पढ़ना है. अपनी गलतियों से सीखना है. ठीक है. जो दूसरा काम करना है वो तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं. जितने मॉक टेस्ट तुम दे सकते, मतलब मॉक टेस्ट ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में तुम 7-8 मॉक टेस्ट दे सकते, दो दे सकते, तीन दे सकते, उससे ज्यादा क्या दे सकते. ठीक है. उसमें तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 घंटे के टेस्ट क्या तुम 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर सकते, जो एक्चुअल टाइम लिमिट है उससे पहले कर सकते क्या. तुम्हें एग्जाम के पहले खुद को पुश करना होगा, तो तुम एग्जाम के अंदर प्रेशर फील नहीं कर सकते. ये एक स्ट्रेटजी होती है जो हम एग्जाम की टाइमलाइन को पीछे कर देते हैं. हम ये मान के चलते कि 2.5 घंटे का पेपर है और 2.5 घंटे के अंदर हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है, तो हम ही कर सकते हैं. दिस इज द राइट टाइम टू इंप्लीमेंट दिस टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट. स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन. किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से तुम्हें दूर रहना है, खास करके ऐसे डिस्ट्रैक्शन से जिसमें तुम्हें किसी ने कह दिया कि तुमने अब तक ये नहीं पढ़ा. इससे ही सवाल आते हैं. तुमने इतनी तैयारी करी, तुम्हें बिल्कुल आइडिया होगा, क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कि कौन से सब टॉपिक के सवाल आते हैं, कौन से सब टॉपिक के सवाल नहीं आते. दूसरी बात, जिस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, तो 100% सिलेबस परफेक्शन. ऐसी चीज़ें हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं, है ना. किसी एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं होती. कहीं भी जहाँ पे आपकी हाई आईक्यू इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे परफेक्शन जैसी कोई चीज़ हो ऐसा किसी ने देखा नहीं. ठीक है. तो तुम्हें परफेक्ट होके तुम्हें एग्जाम हॉल में जाना है. वो दिन अगले जन्म में भी नहीं आना. आज छोड़ दो, अगले जन्म में भी नहीं आना. अभी तुम्हें क्या करना है, एक बारी जब तुम एग्जाम हॉल में जाते हो तो तुम्हें पेपर को 2 बारी पढ़ना है, ठंडे दिमाग से. पेन हाथ में नहीं होनी चाहिए. तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर कूल एंड कंपोज रहना है. और एग्जाम हॉल कब? 5th को? ना ना ना. आज जब जहाँ पे तुम एग्जाम दे रहे हो वो भी एग्जाम हॉल है. तुम्हारा घर, तुम्हारी लाइब्रेरी, सब कुछ एग्जाम हॉल है. तुम्हें उसमें क्या करना है, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, पेन बिना हाथ में लिए ये डिसाइड करना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर सकते. ब्रेन की एक इमेजिन पावर होती है, उसे ये नहीं पता कि तुम कितने सॉल्व कर सकते, मगर वो तुम्हें सेकेंड्स के अंदर बता सकता है कितने तुम नहीं कर सकते. मान लो उसने बताया कि तुम 30 प्रॉब्लम या 40 प्रॉब्लम तुम नहीं कर सकते. ऐसे भी 20 प्रॉब्लम सरप्लस होते, और इसके 20 के बाद भी अगर तुम 20 नहीं कर पाए, इसके बाद भी अगर मान लो तुम 20 सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी कि 80 मार्क्स तुम नहीं कर रहे. ठीक है. अगर 80 मार्क्स नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम 640 पे हो. तो 640 भी तुम सेलेक्ट तो हो गए ना भाई. तुम सेलेक्ट तो हो गए. 640 मीन सेलेक्शन है. इतनी कट ऑफ तो आज तक गई नहीं. तो 640 पे तुम आ गए, तुमने सारी चीज़ें करी. अगर तुम्हारा दिल करा तो तुमने इनमें से जो तुमने तुम्हारे ब्रेन ने कह रखा है इसे टच करने की जरूरत नहीं, उसे देखा. दिल करा देखा, टाइम मिला दिल करा तो तुमने देखा, नहीं तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं. 650 इज ए सेफ साइड टू एंटर इन द मेडिकल कॉलेज. तो इस चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है. और ये इंप्लीमेंट तुम्हें 5th को नहीं करनी, 5th तो बहुत लेट हो जानी. ये तुम्हें आज से करनी है, आज से. इसके साथ तुम्हें हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है. यानी कि तुम ये नहीं सोच सकते कि रात को पढ़ लिया और अगले दिन एग्जाम हॉल में चले गए. भाई आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए. तुम्हारी बॉडी जिस हिसाब से अडेप्ट है, अगर 8 घंटे सो रहे हैं तो 8 घंटे सोना, अगर 6 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटे सोना. स्लिप डिफिशेंसी होनी नहीं चाहिए, नहीं तो एग्जाम हॉल में तुम सोते रह जाओगे. इसके साथ है अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्यों बोला, उसके पीछे एक छोटी सी रीजन के है. आज की डेट में दिल्ली के अंदर 44 डिग्री टेम्परेचर भी चली जाती है और 38 डिग्री भी है, और ये अनप्रडिक्टेबल है. एक दिन 42, अगले दिन 38. अगर मान लो इन एक वर्ष केस के अंदर तुम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे और उस दिन जैसा गूगल के अंदर प्रिडिक्ट कर रहे कि 5th को टेम्परेचर होगी 44 डिग्री सेल्सियस. एक वर्ष के सिनेरियो लेते, स्कूल के अंदर फैन ही नहीं है, एक उससे बढ़िया सिनेरियो लेते, स्कूल के अंदर फैन है, ऐसी तो होगी नहीं. लेकिन पावर कट हो जाए तो उनके पास पावर बैकअप हो, इसके चांसेस भी कम है.
तो तुम ये मान के चलो कि 2 बजे से 5 बजे के बीच जब टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हें एज्यूम करना होगा कि पावर कट है। तो उस कंडीशंस के लिए अगर तुम उस दिन तैयारी करने गए तो फंस सकते हो। तुम्हें उसकी तैयारी आज से करनी है, इसलिए एक वर्ड यूज़ करा, एडेप्टेशन। तुम्हारी बॉडी अडेप्ट होनी चाहिए उन सर्कमस्टांसेस के लिए। एक वर्स्ट केस सिनेरियो एज्यूम कर लो, 44 डिग्री टेम्परेचर है, पावर कट है, फैन भी नहीं है, क्या तुम एग्जाम के ऊपर फोकस कर सकते? अगर हाँ तो इससे बढ़िया क्या हो सकती। और ये सेकेंड पार्ट है साइकोलॉजी। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, यानी आई एम द क्रिएटर। ये अद्वैत वेदांत के 4 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, मगर यहाँ पे अद्वैत वेदांत के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। तो ये सारी बातें डिस्कस कहाँ क्यों हो रही? ये बातें इसलिए डिस्कस हो रही कि अगर मान लो हमने निर्माण भी करा, इफ आई एम द क्रिएटर देन वट, देन वट मीन्स ऑन 5th मे को एक एग्जाम है, 365 दिन होते हैं, 365 एग्जाम हो सकते हैं, तो इसमें इतना स्पेशल क्या है? कुछ भी स्पेशल नहीं है। सबसे ज़्यादा स्पेशल है तुम स्पेशल हो, है ना। एग्जाम आते जाते रहती है। तो लाइफ में एग्जाम की तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि लाइफ में कोई एग्जाम तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो बिहेव लाइक ए किंग, बिहेव लाइक ए किंग। एक किंग की तरह तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। एक किंग जब लड़ाई के अंदर जाता है तो वो इस बात को लेकर परेशान नहीं होता कि वो हार जाएगा क्या, क्योंकि उसे पता है जब तक उसके हाथ में तलवार है वही जीतेगा। ऐसा विश्वास होता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। लेकिन अगर जो भाड़े के सिपाही होते हैं उनको डर होते हैं, तो तुम्हें एक किंग की तरह बिहेव करना है, कूल कंपोज्ड।